नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरौदिया कला में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2016 से लगातार छात्रों से संवाद करते आ रहे हैं। इस वर्ष परीक्षा में तनाव को दूर करने एवं छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु संकुल स्तर पर आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बरौदिया कला संकुल के 5 विद्यालयों के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री के इस अभूतपूर्व कार्य को आगे बढ़ाते हुए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा संकुल स्तर पर आर्ट एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भी रखी गई है। प्रतियोगिता में बरौदिया कला, बीकोर कला, खटौरा सरस्वती विद्या मंदिर बरौदिया कला, श्री विशद सागर हाई स्कूल बरौदिया कला के छात्र छात्राएं शामिल हुई। साथ ही कैरियर मेला का भी आयोजन विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मीना देवी कुशवाहा एवं मंत्री प्रतिनिधि राम कुमार सिंह बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य बीएस लोधी ने छात्रों को कैरियर के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उपस्थित अतिथियों का संस्था की ओर से शाल श्रीफल भेंटकर सम्मान एवं स्वागत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन निरंजन सिंह ठाकुर द्वारा किया गया। गजानन दुबे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, बरौदिया कला। माननीय प्रधानमंत्री जी के परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री माननीय श्री भूपेन सिंह जी द्वारा यहां पर पेंटिंग प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया, जो ही अत्यधिक सराहनीय और उत्साहपूर्वक रहा। माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम को करने में सभी संकुल स्तर के एवं पूरे ब्लॉक के छात्र छात्राओं को पेंटिंग के माध्यम से एवं आर्ट के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करने का कार्यक्रम किया गया, जो कि अत्यधिक सराहनीय रहा। बच्चों में इस प्रकार से अपनी अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा खासा मंच दिया। माननीय मंत्री जी के इस कार्यक्रम की सभी विद्यालय परिवार ग्रामवासियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में हर विद्यालय में इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहें और बच्चों को उत्साह वर्धन किया जाता रहे। आज जो परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी का एक कार्यक्रम है, उसके दौरान विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजित की गई। माननीय मंत्री जी के द्वारा 17 तारीख को एक प्रतियोगिता रखाई गई थी। जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, हमारे तहसील विधानसभा के जो बच्चे हैं, उनमें कितनी प्रतिभाएं हैं कला के क्षेत्र में, तो उनकी कलाओं को उभारने के लिए बहुत ही शानदार मंच हमारे माननीय मंत्री जी ने बच्चों को दिया, इनामी राशि रखी। और आज प्रतियोगिता में हमारे संकुल के 5 विद्यालयों से 50 बच्चों ने भाग लिया और काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ उन्होंने बनाई हैं, और इसका परिणाम जो है आगामी हफ्ते में आने वाला है और बच्चों को मंत्री जी को उससे प्रोत्साहित किया जाएगा, कुछ इनामी राशि दी जाएगी। तो माननीय मंत्री जी ने बच्चों की प्रतिभाओं को सराहा है, प्रयास किया है कि बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, जो कलाएं हैं, चाहे खेल के माध्यम में हो, चाहे आर्ट्स के माध्यम में हो, कला के माध्यम से हो, उनको उभर कर सामने आना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और इसे तो छोटे छोटे स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे मंत्री जी करा रहे हैं, तो काफ़ी सराहनीय कार्य है और हम सभी आभार और बड़ा धन्यवाद उनको देते हैं, मंत्री जी को। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताज़ा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।